अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई वेलकम करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास है न्यू फैंसियर्स के लिए, क्योंकि न्यू फैंसियर्स के पास ये मसला बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है भाई, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाएगा। यार सबके पास मसला ये आता ही है, मेरे पास भी बहुत बार आया था। फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी की कि पता चला कि यार इसके ऊपर क्या क्या जो है दवाइयाँ काम करती हैं। कुछ दवाइयाँ बाहर से ली, कुछ जो है अपने स्टडी से ली। देखिए होम्योपैथिक में हर चीज़ का माशाल्लाह हल है, अल्लाह ने उसके अंदर एक नेचुरल ताकत रखी है होम्योपैथिक के अंदर, तो होम्योपैथिक ही यूज़ कराया करें ज़्यादातर बर्ड्स को। देखिए होम्योपैथिक के अंदर अनफर्टिलिटी के इशू के ऊपर बहुत ही अच्छी दवाई आती है, बहुत ही अच्छी दवाई आती है। और ये अनफर्टिलिटी का मसला जो है ये बेसिकली वैसे होता उन बर्ड्स को है जिन बर्ड्स की एज पूरी नहीं होती और वो हीट पे आके ब्रीड कर देते हैं। ठीक है, और उनको आती है जो अंडरसाइज होते हैं, जो किंग साइज होते हैं, जिनके वेंट पे बाल होते हैं उनके, मतलब जब उनका ब्रीडिंग का टाइम आता है तो उनका जो ड्रॉप होता है जो अंदर जाना होता है फीमेल के अंदर वो नहीं जा पाता, तो उसके अंदर भी ये अनफर्टिलिटी का इशू होता है। तो जिनके अंदर बड़े साइज के बर्ड हैं जिनके अंदर ये इशू आ रहा है उनको उनके सबसे पहले आप वेंट के बाल काटें। वेंट के बाल काटने के बाद अगर ये मसला आ रहा है तो आप फिर ये दवाई इस्तेमाल करें। दवाई भी बताऊंगा इंशाल्लाह कौन सी है, और पहले आप बेसिक देख लेंगे कौन कौन से फॉल्ट होने चाहिए उस पेयर के अंदर। अगर फीमेल की एज छोटी हो या मेल की एज छोटी हो, उन मतलब इन दोनों में से जो पेयर होगा उनमें से अगर फीमेल बड़ी है मेल छोटा है तब भी अनफर्टिलिटी का मसला आता है। पहले आप एज पूरी करें अपने बर्ड की। अच्छा बात, अगर मेल छोटा हो फीमेल बड़ी हो, फीमेल छोटी हो मेल बड़ा हो, इस चीज़ों के ऊपर हमने पहले तवज्जो करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल परफेक्ट है और फिर भी अनफर्टिलिटी आ रही है तो ये होता है हमारे पास जो है बेसिक जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारे मसलों की दवाई आती है और बहुत अच्छी और बहुत ही वर्कफुल होती है। तो मैंने जब होम्योपैथिक के अंदर काम किया तो सेलेनियम के ऊपर काम किया। सेलेनियम एक बहुत ही प्यारी दवाई है और सेलेनियम जो है अनफर्टिलिटी का इशू भी ख़त्म करती है, बर्ड के अंदर स्पर्म्स का काम भी करती है। इससे आपके पास ब्रीड भी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी, 9 अंडे 8 अंडे जो है तकरीबन इतनी ब्रीड आती है। और मेरे पास अपने पास भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ब्रीड आती है सेलेनियम के यूज़ करने के बाद। और सेलेनियम जो है आप हर बर्ड का जो पॉट होता है छोटे प्लास्टिक पॉट होता है उसमें आप 4 से 5 कतरे डाल दें और बर्ड को ये यूज़ कराएं, इंशाल्लाह उसके बाद आपका बर्ड जो है ब्रीड के हवाले से बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा और सारे के सारे अंडे फर्टाइल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।